नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है, इसका टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन पर जो आदेश देख रहे हैं, वही हमारी इस वीडियो का भी टॉपिक है, जो उसका विषय है निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में। जी हाँ, निपुण लक्ष्य, निपुण भारत मिशन, निपुण भारत अभियान, परिषदीय विद्यालयों में बहुत तेज़ी से ये अभियान चल रहा है। कक्षा 3 तक के जो बच्चे थे वो अभी तक इस लक्ष्यों के अंतर्गत आते थे, अब इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। क्या संशोधन है और किस कक्षा तक के बच्चे अब इसके अंतर्गत आएंगे, यही हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आदेश जारी किया गया प्रमुख सचिव के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन से, सभी जिलाधिकारियों के लिए ये आदेश जारी किया गया है। और क्या है ये आदेश, इसके मुख्य बिंदु जो है केवल हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारे विद्यालय में जो निपुण लक्ष्य है और सूची है उसकी जानकारी हम सभी को है। अब तक वो जो बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के लिए निपुण लक्ष्य निर्धारित थे, अब उनमें संशोधन कर दिया गया है। क्या है संशोधन, वो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 से आपको पता चल जाएगा। तो सीधे पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 को ही हम ध्यान से पढ़ते हैं, ताकि इस आदेश की जो जानकारी है वो हमें साफ साफ हो जाए। तो पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, उक्त के अतिरिक्त शासन आदेश संख्या इतने दिनांक 27 जून 2022 द्वारा निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्यों की वर्ष 2025-26 तक संप्राप्ति हेतु कक्षा 1 से 3 तक के लिए भाषा और गणित के जनपदवार त्रैमासिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए स्पष्ट एवं मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करते हुए वर्ष 2025-26 तक निपुण लक्ष्य प्राप्त किए जाने के संबंध में सुसंगत निर्देश निर्गत किए गए हैं। जैसा कि हमें पता है कक्षा 1 से 3 तक के लिए भाषा और गणित के लिए किए गए थे निपुण लक्ष्य निर्धारित। उक्त शासन आदेशों के क्रम में विभिन्न गतिविधियां संचालित हमारे विद्यालय में लगातार की जा रही हैं। अब इसमें क्या है आगे, पॉइंट नंबर 3 सबसे मेन पॉइंट, सबसे ही मेन पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, जो कि इस आदेश का सार है। उक्त के संबंध में संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, जी भारत सरकार की तरफ से आदेश आया था, अर्धशासकीय पत्रांक इतने दिनांक 18 दिसंबर 2023 को आ गया है पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसकी अक्सर बात होती रहती है आजकल, के परिप्रेक्ष्य में सभी राज्यों के लिए निपुण भारत मिशन प्री प्राइमरी से कक्षा 2 अर्थात 8 वर्ष की आयु तक के लिए ही डिजाइन किया गया है। यानी कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार जो अभी निपुण लक्ष्य का कोर्स डिजाइन किया गया है वो केवल कक्षा 2 तक है और बाल वाटिका से प्रारंभ है। जी हाँ, यानी कि बाल वाटिका से केवल कक्षा 2 तक ही निपुण लक्ष्य निपुण भारत मिशन अब क्रियान्वयन होगा। तत्क्रम में सम्यक विचार उपरांत निपुण भारत मिशन का क्रियान्वयन बाल वाटिका से कक्षा 2 अर्थात 8 वर्ष की आयु के लिए किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो बहुत बड़ी खबर है हमारे विद्यालय के लिए कि अब जो निपुण भारत मिशन निपुण लक्ष्य जो है वो बाल वाटिका से कक्षा 2 तक के लिए ही है। आगे क्या कहा गया है आदेश का सार, केवल पॉइंट नंबर 3 जो है वो मैंने बता दिया, फिर भी पढ़ लेते हैं। इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं NCFFS के परिप्रेक्ष्य में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बाल वाटिका से कक्षा 2 तक गतिविधियों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि अब केवल कक्षा 2 तक के बच्चों को, बाल वाटिका से कक्षा 2 यानी कि 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निपुण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही प्रयास किए जाएंगे और उसी संबंध में गतिविधियां संचालित हमारे विद्यालयों में की जाएंगी। तो साथियों, यही हमारी आज की वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारे विद्यालय खुलेंगे उसके पहले हमें इसकी जानकारी होना आवश्यक है। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।